मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, जब एक्सिस कहां से पास करेगा, सेंटर से। रूल क्या है, रिंग किससे बनी हुई है, छोटे 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 पार्टिकल मासेस से, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ओवर इट्स लेंथ, क्योंकि मास रिंग में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर इट्स लेंथ। तो आपको रेडियस आर गिवन है और मास रिंग का एम गिवन है। एक काम करते हैं, छोटा सा मास लेते हैं, छोटा सा मास क्या है डीएम, मतलब एम वन एम टू तो ले नहीं पाएंगे ना, क्योंकि एम वन एम टू कितने पार्टिकल है मालूम ही नहीं है। तो हमने क्या लिया, छोटा सा पार्टिकल डीएम, इसे छोटा नहीं हो सकता, जिसकी लेंथ कितनी है डीएक्स। तो ये पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास की दूरी कितनी है एक्सिस से आर, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्लियर है, इस पॉइंट मास डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डीएम इनटू आर का स्क्वायर, पर ये पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें डीआई होगा स्मॉल। तो हम क्या करेंगे, ऐसे स्मॉल 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 एलिमेंट्स के डीआई को कैलकुलेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। पहले छोटे से पार्टिकल का निकाल लें, तो छोटा सा पॉइंट मास क्या है डीएम, और एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका आर, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है डीएम इनटू आर स्क्वायर। तो इस डीएम की छोटी सी लेंथ कितनी है डीएक्स, ये क्यों दी हुई है या क्यों ली, क्योंकि मुझे इसका डीएम की वैल्यू निकालनी है। डीएम कैसे निकलता है, क्योंकि मास लेंथवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर रिंग की टोटल लेंथ 2 पाई आर है तो मास क्या है एम, अगर 1 है तो एम बाय 2 पाई आर, और अगर लेंथ dx है, dm की लेंथ क्या है dx, तो क्या m by 2 पाई आर into dm आ गया। इस dm को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, r से r कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गई। अब आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में dx 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 मिला हो गए, तो लेंथ क्या आ जाएगी 2 पाई आर, तो लिमिट क्या पुट करेंगे लेंथ की 0 से लेके 2 पाई आर, तो इसकी लिमिट x की लिमिट पुट करोगे 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आंसर क्या आ गया mr square। तो रिंग का अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो, i का फॉर्मूला इज इक्वल टू mr square।